आष्टा में आज किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ये विरोध प्रदर्शन गेल इंडिया के द्वारा लगाए जाने वाले एथेन केकर पेट्रोकेमिकल प्लांट के विरोध में किया गया। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में इस प्लांट के लगने से व्यापक स्तर पर प्रदूषण होगा, जिसे वे उनके क्षेत्र में नहीं लगने देना चाहते। वहीं इसी के विरोध में किसानों ने ट्रैक्टर रैली का भी आयोजन किया। देखिए खबर। आष्टा में आज गेल इंडिया एथेन केकर पेट्रोकेमिकल प्लांट के विरोध में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च किया। किसानों का कहना है कि उनके क्षेत्र में इस प्लांट के लगने से प्रदूषण का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे लोगों के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकता है। वहीं किसानों का कहना है कि उनकी उपजाऊ भूमि से लेकर क्षेत्र में बहने वाली नदियों और दूसरे पानी के स्रोत प्रदूषित हो जाएंगे, जिससे बड़े स्तर पर जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वहीं किसानों का ये भी कहना है कि उनके द्वारा उनकी उपजाऊ भूमि को इस प्लांट के लिए नहीं दिया जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से, आवेदन पत्र के माध्यम से, ग्राम स्तरीय बैठकों के माध्यम से, जो दो गांव में हमारी बैठक भी हो चुकी है, उसमें उन्होंने प्रारंभिक रूप से गेल इंडिया का विरोध, जो भूमि है उसका उपजाऊ होने के कारण और वातावरणीय प्रभाव जो है नकारात्मक होंगे, ऐसा ग्रामवासियों का कहना है। इन दो आधारों पर ग्रामवासी इसका प्रारंभिक स्तर पर विरोध कर रहे हैं। उसी विरोध के तारतम्य में आज इनके द्वारा एक ऐसा विभिन्न माध्यमों से उन्होंने समय समय पर ज्ञापन के माध्यम से मौखिक रूप से अवगत कराया है कि इनके फायदे मिलेंगे, कि रोजगार मिलेगा, पर फायदे नहीं मिलेंगे हमारी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को हम पाइजन दे रहे हैं। पूरा क्षेत्र हमारा दूषित हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। हमारी दो नदियाँ मेन हैं, पार्वती और पपनास, उसका जो वेस्टेज है जब वो आएगा तो प्रदूषण हमारे क्षेत्र में फैलेगा। हमारे यहाँ 8 तालाब प्रदूषित हो रहे हैं, जो बड़ी मुश्किल से लोगों ने मांग करके, और हमारे बीच में पानी की व्यवस्था की, उपजाऊ ज़मीन है हमारे क्षेत्र की, और उस ज़मीन में इस प्रकार की ये योजना लेकर जो आए हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा कि ये एथेन क्रेकर जो गैस है, इसके प्लांट जहाँ पे बंजर भूमि हो, 20 किलोमीटर के एरिए में आप पेड़ पौधे नहीं पनपेंगे, 5 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पूरा क्षेत्र हमारा प्रभावित हो रहा है। और यदि हमारे क्षेत्र में से 20 गांव पड़ते हैं, आष्टा भी उसमें से लीक है, 8.5 किलोमीटर पड़ता है आष्टा, 20 किलोमीटर के एरिया में जब आष्टा आएगा, जिन लोगों को ज्ञान नहीं है कि इसका दुष्परिणाम क्या होंगे, जब उनको मालूम पड़ेगा तो आने वाली जनरेशन को जवाब नहीं दे पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री से हम इस ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि इस पर विचार कर इसे हटा देना चाहिए, और नहीं तो हम किसी भी कीमत पर इस प्लांट को यहाँ नहीं डलने देंगे, चाहे हमें जो भी करना पड़े, कैसी भी लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। किसानों ने इस पेट्रोकेमिकल प्लांट से करीब 20 गांवों के प्रभावित होने की बात कही है। वहीं किसानों और अन्य लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर तहसील कार्यालय में अपनी परेशानियों को बताते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि गेल इंडिया का पेट्रोकेमिकल प्लांट उनके क्षेत्र में न लगाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, आष्टा।